निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। हमने प्रिंसिपल सर को वाटर कूलर के तहत आज ज्ञापन दिया है। पहले भी पूर्व में 4 ज्ञापन दे चुके हैं पर अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, इसको लेकर हमने आज प्रिंसिपल सर को अंदर ही गेट बंद किया है। अभी क्या मांग थी? हमारी मांग ये थी कि वाटर कूलर की सफाई हो, क्योंकि उसमें इतनी गंदगी हो रखी है और बीमारियां फैलने का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए वाटर कूलर के लिए हमने प्रिंसिपल सर को बंद किया। क्या कारण है, क्यों नहीं ध्यान दे रहे? प्रशासन पूरी तरह सो रखा है इसलिए ध्यान नहीं दे रहा है, और हमको बोलते हैं कि आप करवा लो, अब हम ही करवा लेंगे तो इनका क्या काम है, पर छोड़ दो हम खुद ही करवा लेंगे फिर ये काम। छात्राओं को भी शौचालय संबंधी समस्या बता रहे? शौचालय संबंधित है कि जो हाई सेकेंडरी में जो केमिस्ट्री लैब है उसमें बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, गर्ल्स परेशान होती है वहाँ से इधर आ नहीं सकती और साफ़ सफाई भी बिल्कुल ही नहीं है। क्या आश्वासन दिया? बस प्रिंसिपल सर ने आश्वासन दिया कि अभी करवाएंगे सफाई, अगर आज नहीं करवाते अगर सफाई तो हम फिर आंदोलन करेंगे। आपका नाम? विकास बेरवा। ऐसा है, मुझे भी थोड़ा सा वक्त हुआ है आए में और महाविद्यालय के सभी जो पानी की व्यवस्था है वो मैंने करवाई है। एक छोटी सी एक दिक्कत है वाटर कूलर में, तो वो करवा देंगे। सर छात्रों ने बंद करने का भी प्रयास किया आपको कमरे में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे आके अपनी बात कही थी, वो हमने करवा ली, सुन ली, उसको करवा देंगे। सर काफ़ी लंबे समय से छात्र बता रहे अपनी समस्या? नहीं, काफ़ी लंबे समय से है लेकिन इन चीज़ों में वक्त लगता है। देखिए काफ़ी दिनों से दुरुस्त नहीं थे वाटर कूलर, तो वो मैंने करवाए हैं, अभी मुझे थोड़ा समय हुआ है और सारी काम करवा रहे हैं महाविद्यालय के प्राथमिकता के हिसाब से करवा रहे हैं। नहीं वो सारे हमने सभी कराए हैं, टॉयलेट सर सारे साफ कराए हैं, नियमित रूप से इसको कराए हैं, एक CDC में और रखा है एक बंदा सफाई के लिए, तो डेली सफाई होती है और मैं मेरे प्रयासों से खुद करवाता हूँ।